जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। आज के टॉपिक में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि डिफ्यूजन का प्रोसेस एक्चुअली किस तरह से होता है, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू सेल में मूव इन और मूव आउट करते हैं, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एक्चुअली किस तरह से होती। सो स्टार्टिंग ऑफ द कन्वर्सेशन अभी द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्यूजन। बेटा देखिए, सेल हम बात कर चुके हैं कि एक ओपन सिस्टम है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें जाती हैं, बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे हैं जो कि सेल को अपने अंदर लाने होते हैं, बहुत सारे मटेरियल्स को सेल को अपने से बाहर भेजना होता है। अब इन मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट के लिए बेटा कुछ ना कुछ मैकेनिज्म्स का होना जरूरी है, जिनमें से एक मैकेनिज्म डिफ्यूजन है जो हम आज पढ़ेंगे, एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म्स हैं जिनके थ्रू सेल मटेरियल्स को अपने अंदर भी लाता है और अपनी सराउंडिंग्स में भी भेजता है जब कभी उसके किसी नेबरिंग सेल को कुछ चाहिए होता है। तो अब अगर मैं पर्टिकुलरली आपके साथ डिफ्यूजन की बात करूं, आप केमिस्ट्री से डिफ्यूजन के कॉन्सेप्ट से आई होप अवेयर होंगे, तो भाई डिफ्यूजन हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। मिसाल के तौर पे मॉलिक्यूल्स की अगर मूवमेंट हुई है फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन, ऐसा एरिया जहां पर उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा थी, उस एरिया में जहां पर उनकी कंसंट्रेशन लो है, कम है, तो इस मूवमेंट को मेरा बेटा हम बोलते हैं डिफ्यूजन। मिसाल के तौर पे इधर देखिए, ये हमारे पास एक बर्तन है, या ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, या ये हमारे पास कुछ एरिया है, और इस एरिया में ये हल्की सी पार्टीशन मौजूद है, और कुछ पार्टिकल्स इस साइड पे मौजूद हैं और कुछ पार्टिकल्स इस साइड पे मौजूद हैं। अब इस साइड वाले जो पार्टिकल हैं वो तादाद में ज्यादा हैं, और उस साइड वाले जो पार्टिकल्स हैं लेट्स से वो तादाद में कम हैं, बट हैं दोनों एक तरह के पार्टिकल्स ही, ये पार्टिकल्स भी और वो पार्टिकल्स भी। तो डिफ्यूजन का प्रोसेस ये कहता है, डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मॉलिक्यूल्स जिस तरफ ज्यादा तादाद में होंगे वहां से उस तरफ मूव करेंगे जिस तरफ कम तादाद में होंगे। जहां पर एक चीज की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वो उस जगह से उस तरफ मूव करेगी जहां पर उसकी कंसंट्रेशन कम है। सेल के साथ भी यही होता है। देखिए, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसी को ही सेल फर्ज कर लें, ये हमारा थोड़ा सा इसको हम सर्कुलर कर लेते हैं सेल को, और ये कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा सेल है तो ये बेटा इसकी एक्चुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। मैं इसको 3D में नहीं बना रहा, आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट देना मकसूद है। तो अगर कुछ मॉलिक्यूल्स यहां मौजूद हैं और ये अंदर आना चाहते हैं, तो होगा क्या कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर आ जाएंगे, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर आ जाएंगे, ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर आ जाएगा थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। बाहर ज्यादा है, अंदर बहुत कम है, सिंपली डिफ्यूजन के थ्रू ये मॉलिक्यूल्स अंदर आ जाएंगे। इसी तरह अगर कुछ मॉलिक्यूल्स अंदर मौजूद हैं और काफी ज्यादा मिकदार में मौजूद है, आई एम गोना ड्रॉ सम स्टार्स जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, और बाहर मौजूद नहीं है और सेल चाहता है कि मैं इनको बाहर भेज दूं, तो बहुत आराम के साथ ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से मूव करके बाहर चले जाएंगे। किस प्रोसेस के थ्रू? थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन मेरा बेटा। नाउ दिस इज डिफ्यूजन। अब यहां पर आपको यह समझना भी जरूरी है कि क्या सारे के सारे मटेरियल्स डिफ्यूजन के थ्रू मूव कर सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। हम कहते हैं जो मॉलिक्यूल्स डिफ्यूजन के थ्रू मूव करते हैं उनके दो करेक्टर लाजमी होते हैं। वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स या वो सारे के सारे पार्टिकल्स एक तो स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये लिपिड्स की बनी हुई है, और अगर उनका साइज छोटा होगा बेटा तो वो इसमें से गुजर सकेंगे, अगर वो बड़े साइज के होंगे तो नहीं गुजर सकेंगे। सो द वेरी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग फॉर द मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज देयर साइज, उनका साइज छोटा होना चाहिए। सेकेंडली दे नीड टू बी अनचार्ज्ड, उन पे चार्ज नहीं होना चाहिए बेटा, अगर चार्ज होगा फिर भी वो मूव नहीं कर सकेंगे। देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड मौजूद होते हैं उनकी स्ट्रक्चर हेड टेल की होती है, लाइक दिस, कुछ इस तरह की उनकी स्ट्रक्चर होती है। हेड हाइड्रोफोबिक फिलिक होता है, टेल हाइड्रोफिलिक होती है, हेड पे कुछ और चार्ज होता है, टेल पे कुछ और चार्ज होता है। सो अब अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल मूव करने की कोशिश करेगा फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
उसको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी, इट वॉन्ट बी इजी फॉर हिम टू मूव अराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो जो मॉलिक्यूल्स भी डिफ्यूजन के थ्रू मूव करना चाहते हैं, एक तो वो स्मॉल होने चाहिए, दूसरा वो अनचार्ज्ड होने चाहिए, तब ही वो डिफ्यूजन के थ्रू मूव कर सकते हैं, अदरवाइज वो डिफ्यूजन के थ्रू मूव नहीं कर सकते। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें हमारे पास बेटा एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड बड़े आराम के साथ डिफ्यूज हो जाती है, ऑक्सीजन बहुत इजीली डिफ्यूज हो जाती है, सिमिलरली ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो हैं वो भी बहुत इजीली डिफ्यूज हो जाते हैं। सो दीज आर द थ्री एग्जांपल्स दैट वी हैव इन केस ऑफ डिफ्यूजन, जिन मॉलिक्यूल्स की डिफ्यूजन थ्रू द सेल मेम्ब्रेन होती है। अगला कॉन्सेप्ट ये है कि क्या डिफ्यूजन के प्रोसेस में कोई एनर्जी लगती है या नहीं लगती, क्या सेल की एनर्जी खर्च होती है डिफ्यूजन के प्रोसेस में या नहीं होती। द आंसर इज नो। देखिए बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मॉलिक्यूल्स ने आना है, तो ये एक नेचुरल टेंडेंसी है मॉलिक्यूल्स टू मूव अराउंड फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स देयर लो पोटेंशियल। तो इसमें कोई एनर्जी नहीं लगती, इसमें कोई एनर्जी एक्सपेंस आता ही नहीं है। उसकी रीजन ये है कि देखिए जो सॉलिड के अलावा गैस और लिक्विड के मॉलिक्यूल होते हैं, मैंने कहा जी सॉलिड नहीं, सॉलिड के अलावा गैस और लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा मूवमेंट की फॉर्म में रहते हैं, उनकी मूवमेंट हमेशा जारी रहती है जब तक उनका टेम्परेचर, बेटा ये फिगर आपको याद रखनी होगी, देखिए जब तक उनका टेम्परेचर -273 केल्विन से ज्यादा होता है, जब तक किसी भी मॉलिक्यूल का टेम्परेचर -273 इसको सेंटीग्रेड कह लीजिए, या अगर आप केल्विन में करेंगे तो फिर ये हो जाएगा 0 केल्विन। अगर किसी चीज का टेम्परेचर -273 डिग्री या 0 केल्विन से ज्यादा है तो वो हमेशा मूवमेंट में रहेगी। देखिए ये भी केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, हमें बॉयल्स ला ये कहता है कि अगर किसी चीज का टेम्परेचर -273 डिग्री से ज्यादा है या 0 केल्विन से ज्यादा है तो वो गैस नहीं होगी, उसके गैस होने के चांसेस कम है। सो अगर किसी चीज का टेम्परेचर इतना है तो वो हमेशा मूवमेंट में रहती है, गैसेस भी और लिक्विड्स भी, दोनों की दोनों चीजें हमेशा मूव करती रहती हैं, हमेशा मूवमेंट में रहती हैं। अब जब वो मूवमेंट में रहती हैं तो वो बड़े आराम के साथ हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करती रहती हैं। ये हर एक मॉलिक्यूल की टेंडेंसी है, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो गैस हो। तो अब सवाल ये है कि डिफ्यूजन में एनर्जी लगती है नहीं लगती, तो उसका आंसर हमें मिल गया कि डिफ्यूजन में एनर्जी नहीं लगती। भाई इसलिए हम डिफ्यूजन के बारे में कहते हैं कि डिफ्यूजन इज अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन एक्चुअली पैसिव ट्रांसपोर्ट की एक टाइप है। अब यहां से आपने कॉन्सेप्ट लेना है पैसिव ट्रांसपोर्ट का। देखिए डिफ्यूजन में एनर्जी नहीं लगती, लिहाजा हम कहते हैं डिफ्यूजन इज अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट फॉर द वेरी रीजन बिकॉज देयर इज नो एनर्जी एक्सपेंस। कोई एनर्जी नहीं लगती, लिहाजा हम कहते हैं दिस इज अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब यहां से कॉन्सेप्ट आपने ये लेना है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट बेटा एक्चुअली मॉलिक्यूल्स की ऐसी ट्रांसपोर्ट है जो विदाउट एनर्जी होती है। देखिए बात को समझिए, एक मॉलिक्यूल यहां है, वो यहां से यहां चला गया और उसमें सेल की एनर्जी खर्च नहीं हुई, तो हम इस तरह की ट्रांसपोर्ट को बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट, इस तरह की मूवमेंट को बोलेंगे पैसिव मूवमेंट। सो पैसिव ट्रांसपोर्ट की जो डेफिनेशन हमारे पास बनती है वो बनती है जी कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी, एनर्जी के इस्तेमाल के बगैर जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है बेटा उसको कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब ये बात अभी तक जितनी भी बातें हमने की हैं वो सिंपली सिंपल डिफ्यूजन से मुतल्लिक की हैं, लेकिन डिफ्यूजन की एक और टाइप भी होती है बेटा और उसको हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह का कॉन्सेप्ट है और ये काम होता किस तरह है सेल में। मैंने लफ्ज बोला है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, आप कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमेशा लफ्जों पे गौर किया कीजिए, लफ्जों के अंदर ही लफ्जों का मानी छुपा होता है। अब ये वर्ड है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, देखिए एक लफ्ज है फैसिलिटेटेड, दूसरा है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन तो आपने पढ़ ही ली है, फैसिलिटेटेड का लफ्ज आया है फैसिलिटेट से, फैसिलिटेट का मतलब होता है मदद करना। अब देखिए
मुझे ऐसा लग रहा है ये लफ्ज पढ़ के कि ये डिफ्यूजन की कोई ऐसी टाइप होगी जिसमें कोई ना कोई चीज डिफ्यूजन की हेल्प कर रही होगी, यानी ये डिफ्यूजन की कोई ऐसी टाइप है, डिफ्यूजन का कोई ऐसा तरीकाकार है जिसमें डिफ्यूजन के प्रोसेस में कोई चीज हेल्प कर रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, मैंने आपको यहां कहा कि सिंपल डिफ्यूजन दो तरह से होती है, दो तरह के मॉलिक्यूल्स की पॉसिबल है, एक वो मॉलिक्यूल्स जो स्मॉल हैं, दूसरे जो अनचार्ज्ड हैं। अब अगर मैं यहां पे आपसे सवाल पूछ लूं कि बेटा जो लार्ज मॉलिक्यूल होंगे या जो चार्ज्ड मॉलिक्यूल होंगे, भाई उनकी डिफ्यूजन का क्या तरीकाकार है, क्या वो सिंपली डिफ्यूज हो सकते हैं, तो वो सिंपली डिफ्यूज नहीं हो सकते। अब बेटा इन मॉलिक्यूल्स ने के लिए सेल ने अपने पास एक सोल्यूशन रखा है। आपको याद होगा सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के अंदर हमने कुछ प्रोटीन्स पढ़ी थी जो लिपिड्स की बायलेयर के दरमियान होती है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी। वो जो प्रोटीन्स हैं उन प्रोटीन्स को हम कहते हैं कैरियर प्रोटीन्स। उन प्रोटीन्स का काम ही यही है कि उन्होंने इन मॉलिक्यूल्स की जो लार्ज हो, जो बड़े हो, जिनका जिनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज हो, उन मॉलिक्यूल्स की उन कैरियर प्रोटीन्स ने ट्रांसपोर्ट में हेल्प करनी है। तो एक्चुअली ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स मौजूद होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हेल्प करती हैं इन द मूवमेंट ऑफ दीज लार्ज एंड चार्ज मॉलिक्यूल्स। So, अगर कोई बड़ा सा मॉलिक्यूल यहां आ गया है और उसको सेल के अंदर लाना है, तो ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो है उस मॉलिक्यूल को अंदर लाने में हेल्प करेंगी। सिमिलरली अगर कोई बड़ा सा मॉलिक्यूल यहां मौजूद है और उसको हमने बाहर लेके जाना है, उसके लिए भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हेल्प करेंगी, और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के जरिए वो मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा। अब देखिए इस प्रोसेस के दौरान इन प्रोटीन्स ने डिफ्यूजन को फैसिलिटेट किया, डिफ्यूजन के प्रोसेस में हेल्प की, फैसिलिटेशन की, लिहाजा हम इस डिफ्यूजन को बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। डेफिनेशन के बारे में हम कहेंगे कि द टाइप ऑफ डिफ्यूजन इन विच डिफ्यूजन इज फैसिलिटेटेड बाय द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। ऐसी डिफ्यूजन जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की मदद से होती है उसको बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब ये प्रोसेस किस तरह से होता है, आइए इसको विजुअली समझने की कोशिश करते हैं। सो देखिए, आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है, और मेनली लिपिड बायलेयर है जो मौजूद है ऊपर भी और नीचे भी, और दरमियान में इसी तरह की ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, जिस तरह की मैंने भी आपको बनवाई हुई है, ये दरमियान में मौजूद होती है। अब बेटा जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर कोई मटीरियल बड़े हैं या उनपे चार्ज है तो वो इन लिपिड्स के थ्रू मूव नहीं कर सकते, उनको आना पड़ेगा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के साथ। अब ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं, इनका मैकेनिज्म ऐसा है कि ये मटेरियल को बाहर से अंदर और अंदर से बाहर ले जा सकती हैं। सो अब अगर किसी मटेरियल ने बाहर से अंदर आना है तो सिंपली करेगा क्या, इन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के पास आएगा, जैसे ये मॉलिक्यूल जा रहे हैं वन बाय वन, वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन उस मॉलिक्यूल को पकड़ के अपने में से गुजार के सेल के अंदर भेज देगी। अब जब वो चला जाएगा तो अगर किसी और ने आना है तो सिंपली वो अगला वहां पे आएगा, वो अटैच होगा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के साथ और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन उसको भी आगे ट्रांसफर करवा देगी। सिमिलरली अगर सेल के अंदर से किसी चीज ने बाहर जाना है तो वो भी इस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के साथ अटैच होगी और बाहर चली जाएगी। रिमेंबर, ये प्रोसेस सिर्फ वही मॉलिक्यूल्स करते हैं जो बड़े होते हैं, जिनके ऊपर कोई चार्ज होता है, और जिनके पास चांस नहीं होता सिंपली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करने का, वही मॉलिक्यूल सिर्फ ये करते हैं, बाकी मॉलिक्यूल्स नहीं करते। आज के लेक्चर की आखिरी बात ये है कि आपको क्या लगता है, ये सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस तेज होता होगा या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का प्रोसेस तेज होता होगा? देखिए, ये तो डिफ्यूजन सिंपल डिफ्यूजन है, यहां कोई हेल्पर नहीं है, कोई हेल्प करने वाला नहीं है, बट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ये हेल्पर मौजूद है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स मौजूद है, लिहाजा हम ये कहते हैं कि जो डिफ्यूजन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की फॉर्म में होती है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की वजह से होती है, वो फास्टर होती है, वो तेज होती है इसके निस्बत, सिंपल डिफ्यूजन के निस्बत। और फाइनली आखिरी बात कि ये जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है ये भी पैसिव ट्रांसपोर्ट की ही एक टाइप होती है, इसको भी बेटा हम पैसिव ट्रांसपोर्ट ही बोलते हैं, फॉर द वेरी रीजन कि इसमें भी किसी किस्म की एनर्जी नहीं लगती, ये पूरे का पूरा प्रोसेस भी विदाउट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी होता है। आज के लिए इतना ही, आपका कोई सवाल हो आप पोर्टल के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।